हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेक और वैप। इंडियन कार मेकर ब्रांड महिंद्रा एंड महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियां ऑडिटेड होती जा रही थी और जिसकी वजह से इन गाड़ियों की सेल्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन अभी महिंद्रा अपने सभी प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करके इनकी न्यू जनरेशन मार्केट में लॉन्च कर रही है, जैसे कि न्यू थार, एक्सयूवी 700 और अभी महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो की भी न्यू जनरेशन मार्केट में आने वाली है। पिछले साल महिंद्रा ने अपने मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल 9 सीटर एसयूवी महिंद्रा बोलेरो नियो को भी डिसकंटिन्यू करा था। मार्केट में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन थी, लेकिन ऑडिटेड हो जाने की वजह से इस गाड़ी को कम सेल के चलते महिंद्रा को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। लेकिन अभी महिंद्रा जाकर फिर से इस गाड़ी को मार्केट में रिलॉन्च करने वाली है अपग्रेड करके। कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी बोलेरो न्यू या फिर टीओवी 300 प्लस को इस साल के एंड तक मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती है और इसमें हमें कई सारे न्यू स्टाइलिंग अपग्रेड, इंटीरियर और फीचर्स में अपग्रेड और इंजन में अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं। न्यू टीओवी 300 के एक्सटीरियर में हमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें नए एलईडी हेडलाइट विद डीआरएस, न्यू फ्रंट ग्रिल, न्यू सेट ऑफ अलॉय व्हील्स, न्यू ऑटोफाइल रियर व्यू मिरर और अपडेटेड डायमेंशंस इसमें देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर गाड़ी का लुक हमें बिल्कुल बदला हुआ देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो अभी बोलेरो न्यू में हमें इंजन ऑप्शंस महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो के जैसे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें पावर थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि ये जो नई बोलेरो न्यू होगी इसमें हमें 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑप्शन देखने को मिले, जो कि पावर मोड में 120 पीएस की पावर और इकोनॉमी मोड में 95 पीएस की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। ये इंजन हमें मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। अभी महिंद्रा इसमें पेट्रोल इंजन को ऑप्शन ऐड करेगी या नहीं, इसके बारे में कन्फर्मेशन अभी बाकी है। अभी ये गाड़ी हमें मार्केट में 7 सीटर और 9 सीटर की कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगी और 9 सीटर गाड़ी के ऑप्शन के रूप में महिंद्रा बोलेरो न्यू अभी मार्केट में गिनी चुनी कार्स में से एक है और बहुत ही कम बजट में मिलती है, जो कि इस गाड़ी का प्लस पॉइंट था। और आने वाले टाइम में भी ये गाड़ी हमें 7 सीटर और 9 सीटर की कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगी। इसकी फ्रंट और मिडिल में हमें नॉर्मल कार्स के ही तरह फिटिंग लॉट मिलेगा, लेकिन जो थर्ड रो होगी उसकी सीट्स को थोड़ा सा वर्टिकल लाइन में रखा जाएगा, जिसकी वजह से इसमें हमें 9 सीटर का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा पहले मिलता था। ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च होने के बाद हमें P4 से लेकर P10 ट्रिम लेवल्स तक देखने को मिलेगी और उसका जो P10 जो टॉप वेरिएंट होगा उसे भी फर्दर मल्टीपल वेरिएंट्स में डिवाइड किया जाएगा। कार के डायमेंशन भी रिवील हो चुके हैं और ये गाड़ी 4400 mm लंबी होगी, 1795 mm चौड़ी होगी और 1812 mm ऊंची होगी और गाड़ी का व्हील वेप 2390 mm का रहने वाला है। मार्केट में लॉन्च होने के बाद गाड़ी की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत करीब 10 लाख रुपए से शुरू होकर 15 से 16 लाख रुपए तक जा सकती है और मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी आर्टिगा, XL6 और किया केरेंस जैसी कार को जबरदस्त कॉम्पिटिशन देने वाली है। और महिंद्रा इस गाड़ी को अलग अलग वर्जन में लॉन्च करने वाली है, जैसे कि एम्बुलेंस के लिए इसका अलग वर्जन होगा और अलग अलग वेरिएंट्स के लिए मल्टीपर्पज यूज़ के लिए अलग वर्जन होंगे, तो उसकी वजह से भी इस गाड़ी की यूजफुलनेस और स्पेस की यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स, वैसे आपको क्या लगता है कि महिंद्रा बोलेरो न्यू महिंद्रा थार और XUV 700 की तरह कम बैक कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर एक लाइक जरूर करेगा और ऐसे ही डेली न्यू और वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।